हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर साइंस बुक ऑफ 8th क्लास इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग इस बुक का सेकंड लेसन स्टडी कर रहे हैं, विच इज जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फो, मित्र और शत्रु। We have studied about the microorganism, which organism are called microorganism, कौन से वो organism हैं जो कि microorganism कहलाते हैं, and we have studied about the four categories of these microorganisms. इन microorganisms की जो four categories divide की गई है उनके बारे में हमने study की थी, bacteria, fungi, protozoa and algae, virus is an also microorganism and we have also observed the pictures of these categories. ये जो four categories हैं इनकी जो pictures है उसको भी हमने उन pictures को भी observe किया था. We have saw the पिक्चर ऑफ वायरस आल्सो, हमने वायरस की पिक्चर भी देखी थी, एंड देन वी हैव स्टार्टेड द स्टडी ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी। और यहाँ हमने हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो मित्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो वर्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम कर पाते हैं वो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी दही और ब्रेड की मेकिंग, उनको बनाने का जो काम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही हो पाता है। और इसी में हम लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा। फर्मेंटेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से होती है, और उसमें जो चीजें होती है वो फूल जाती है, राइज हो जाती है। और एक एक्टिविटी भी हम लोगों ने स्टडी की कि जिसमें मैदा आटे को हमने नीड किया यानी गूंथा, और उसको कुछ घंटों के लिए हमने छोड़ दिया, हालांकि उसमें हमने थोड़ा सा यीस्ट का पाउडर मिला दिया था, तो वो कुछ घंटों में फूल जाता है, वो आटा राइज हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से यीस्ट पाउडर काम करता है चीजों को फुलाने में। और यही जो फर्मेंटेशन की रिएक्शन है ये केक और पेस्ट्री वगैरह और ब्रेड बनाने में यूज की जाती है। तो फर्स्ट जो वर्क हम कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो ये था कर्ड और ब्रेड की मेकिंग। सेकंड जो यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी व्यावसायिक उपयोग। तो यहाँ हमने स्टडी की थी कि अल्कोहल और वाइन यानी शराब बनाने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट के पाउडर का कमर्शियल यूज यानी व्यावसायिक यूज किया जाता है। लुई पाश्चर के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में मेडिसिनल यूज के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अवर टूडेज पॉइंट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हम मेडिसिनल यूज कैसे कर सकते हैं या दवाई के रूप में क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो ये आज का जो पॉइंट है एंड इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन। आज का ये जो स्टडी है वो फोर्थ पार्ट है इस लेसन का, मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल का मतलब होता है चिकित्सकीय यानी चिकित्सा से संबंधित या दवाई से संबंधित, तो इस तरह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। हमने आपने अभी तक शायद ये तो सुना होगा कि सूक्ष्म जीवों की के कारण से हम लोग रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाई बनाने में भी काम आते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वेन एवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार फॉल यानी गिरना होता है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं, द डॉक्टर मे गिव यू, तो डॉक्टर आपको देता होगा सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स। देखिए, जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो वहाँ वो कई टाइप की टेबलेट्स हमें लिखता है, तो उसमें कुछ जो टेबलेट होती है वो एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, यानी जिस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म
के कारण से हमें कोई रोग हुआ है, जिस सूक्ष्म जीव के इन्फेक्शन के कारण हम रोगी हुए हैं, तो वो उसको मारने की वो दवाएं होती है एक्चुअली, एंटीबायोटिक कहते हैं उनको। तो एंटीबायोटिक टैबलेट वो हमें देते हैं डॉक्टर, कैप्सूल्स भी देते हैं और इंजेक्शंस या फिर इंजेक्शन भी लगाते हैं एंटीबायोटिक का, सच एज जैसे कि ऑफ पेनिसिलिन, जैसे कि एक दवाई का नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन टैबलेट्स के थ्रू भी दी जाती है, कैप्सूल के थ्रू भी दी जाती है और इंजेक्शन भी यूज किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन, ये जो मेडिसिन दी जाती है, ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, इनका जो सोर्स होता है, इनका जो स्रोत होता है, स्रोत मतलब ये जहां से प्राप्त की जाती है, इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, इनका जो सोर्स होता है इन दवाइयों का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। दीज मेडिसिन किल, ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो दवाइयां होती है, किल यानी मार देती है और स्टॉप या फिर रोक देती है द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दवाइयां होती है वो क्या करती है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग यानी बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बीमारी पैदा करने वाले, उनकी ग्रोथ को या तो ये स्टॉप कर देती है ये दवाइयां, उनकी वृद्धि को या तो ये रोक देती है, या उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिजीज पैदा करने वाले, उनको किल कर देती है ये दवाइयां, मार देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ऐसी जो मेडिसिन होती है इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आल्सो। यहां पर ये जो डेफिनेशन है, ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है कि कौन सी जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक कहलाती है। तो जो जो मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या उनको किल कर देती है, दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज डेज, इन दिनों, ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इन दिनों बहुत सारे एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो प्रोड्यूस यानी उत्पादित किए जा रहे हैं, यानी बनाए जा रहे हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, जीवाणु और फफूंद से, बैक्टीरिया और फंजाई से। हालांकि बैक्टीरिया और फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, अभी हमने लेसन में स्टडी किया है कि जो फोर कैटेगरीज बनाई गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें से टू कैटेगरीज हैं ये, बैक्टीरिया और फंजाई। लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई से कई सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इन दिनों बनाई जा रही है। अब देखो कुछ नेम्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक, ऐसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं लेकिन कुछ नेम यहाँ पर बताए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन एंड आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ये कुछ सामान्य रूप से जानी जाने वाली सामान्य रूप, कॉमनली नॉन यानी साधारण रूप से या सामान्य रूप से जानी जाने वाली, जिनको सब जानते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं ये नाम। लगभग जो थोड़े से दवाइयों के बारे में जानते हैं वो ये नाम जरूर जानते हैं। एक बार फिर से मैं ये नाम आपको रीड करके बताऊंगा कि कौन से दवाइयों के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, एक नाम पहले ही आ चुका है, पेनिसिलिन, तो ये फोर नेम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बहुत ही कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स है, यानी बहुत ही साधारण रूप से जानी जाने वाली एंटीबायोटिक्स है, विच आर मेड, जो कि बनाई जाती है फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक्स जिनके नाम अभी हमने पढ़े, ये फंजाई और बैक्टीरिया यानी फफूंद और जीवाणु से बनाई जाती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
कुछ खास स्पेसिफिक यानी कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की वृद्धि करवाकर, ग्रो करवाकर, कुछ खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कुछ खास स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ खास किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोइंग करवाकर उनकी वृद्धि करवाई जाती है बाई एंड और आर यूज्ड और उपयोग किया जाता है टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीजेज। वैरायटी यानी विविध प्रकार की जो डिजीजेज होती है, बीमारियां होती है, उनको क्योर करने के लिए, क्योर यानी उनको ठीक करने के लिए, बीमारी को क्योर करना यानी बीमारी से मुक्त करना। तो जो वैरायटी ऑफ डिजीजेज होती है, बहुत विविध प्रकार की जो तरह तरह की जो बीमारियां होती है उनको क्योर करने के लिए, उनसे रोगी को मुक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और ये कुछ खास स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोइंग के द्वारा बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। एंटीबायोटिक्स जो अभी अपन ने अभी इतना पढ़ा है कि हमें जब बीमारी होती है या हम जब बीमार होते हैं तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन अभी दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एंटीबायोटिक जो होती है ना वो जानवरों के खाने में भी मिलाई जाती है। जानवर जो चारा खाते हैं उसमें भी कई बार एंटीबायोटिक मिलाई जाती है, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। एंटीबायोटिक्स आर इवन यानी यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, एंटीबायोटिक्स को यहाँ तक की मिक्स किया जाता है विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक होता है यानी पशुधन होता है उसके फीड यानी उसका जो भोजन होता है उसमें भी एंटीबायोटिक को यहाँ तक कि मिक्स किया जाता है। एंड पोल्ट्री, और जो पोल्ट्री यानी जो अंडे देने वाले जो पक्षियों को पालने के घर होते हैं जिसको मुर्गी फार्म कहते हैं, डक फार्म कहते हैं, जहाँ अंडे देने वाले पक्षियों को पाला जाता है, उनकी रियरिंग की जाती है, वो पोल्ट्री कहलाती है। तो पोल्ट्री फार्म जो होती है और जो पशुओं का, पशुओं को भी के खाने में और पोल्ट्री यानी मुर्गी के खाने में भी एंटीबायोटिक मिक्स किया जाता है टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला जो संक्रमण है उसको चेक करने के लिए। चेक करना मतलब अगर वो है तो वो उसको समाप्त कर दे। तो सूक्ष्म जीवों के कारण से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से अगर उनके अंदर कोई बीमारी पनपती है तो वो उसके खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ये एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं उनके द्वारा वो बीमारी खत्म होती रहती है। तो उसको चेक करने के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन का मतलब है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, जब कोई चीज हमारे शरीर में आकर के और गलत प्रभाव डालती है तो उसको संक्रमण कर, इन्फेक्शन, जैसे अभी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को तो इसको भी इन्फेक्शन कहते हैं। बीमारी का इन्फेक्शन होता है, जो बीमारी के जो माइक्रोब्स होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण कहते हैं कि इस बीमारी का संक्रमण हो गया इसको। तो एनिमल्स में जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण होता है उसको चेक करने के लिए पोल्ट्री में यानी अंडे देने वाले जो मुर्गी फार्म वगैरह होते हैं या लाइव स्टॉक यानी पशुधनों, पशुधन के, उनको जो खाना खिलाते हैं उसमें भी एंटीबायोटिक्स को ऐड किया जा, मिक्स किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। इनको कई सारी प्लांट डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। प्लांट डिजीजेज मतलब पौधों में होने वाली जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ बॉक्स एक अपना यहाँ लीव लेफ्ट हो गया था, छूट गया था वो, तो इसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये एक बॉक्स यहाँ पर है और इस बॉक्स में एक पर्सन के बारे में कुछ नॉलेज दी गई है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही इज द पर्सन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया।
ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और 1929 में ये क्या कर रहे थे, एक कोई ये काम कर रहे थे अपना। वो काम क्या था, ये वर्किंग कर रहे थे। किस प्रकार की वर्किंग, ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज यानी बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी दोनों टाइप के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से बीमारी भी होती है। तो जो डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके कल्चर यानी उनकी संरचना पर ये काम कर रहे थे, ये जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे अपना। अचानक इनको एक चीज ध्यान में आई, सडनली अचानक ही फाउंड, उन्होंने पाया द स्पोर्स यानी बीजाणु, स्पोर यानी होता है बीज, छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो स्पोर्स कहलाते हैं। सडनली ही फाउंड, अचानक उन्होंने पाया द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड, कि एक छोटी हरी मोल्ड यानी होती है सड़न, जिसको अपन सड़ने से जो कहीं पर भी जब सड़न पैदा होती है तो उसमें जो फफूंद या काई बनती है उसको मोल्ड कहते हैं, फफूंद कह सकते हैं फफूंद, तो ये सड़ने से फफूंद आती है उसको मोल्ड कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी हरी फफूंद के जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स हैं, इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, वो उन्होंने जो बैक्टीरिया अपनी प्लेट में एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रखे थे, डाल रखे थे, उनकी कल्चर जो बना रखी थी उन्होंने, उनका जो अध्ययन वो कर रहे थे बैक्टीरिया का, वहाँ पर उन्होंने अचानक देखा कि हरे कलर के कुछ छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो उन्होंने एक प्लेट में देखे, एक प्लेट में जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया वाली जो प्लेटें थी उनकी, उसमें से एक प्लेट में उन्होंने इस तरह के स्पोर्स देखे हरे कलर के। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, कि ये जो मोल्ड हरे कलर की आई है, इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो उपस्थिति है, प्रिवेंटेड, ये रोक रही थी, ये प्रिवेंट कर रही थी द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जो बैक्टीरिया इन्होंने जांच के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए प्लेट्स में ले रखे थे, जिस प्लेट में वो हरे कलर के स्पोर्स आ गए, उस प्लेट में जो बैक्टीरिया थे उनकी वृद्धि रुक गई, उसकी ग्रोथ रुक गई बैक्टीरिया की, ऐसा इनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट वास्तव में इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, और वास्तव में इसने जो हरे कलर के वो जो स्पोर्स आए थे एक प्लेट में, उन्होंने बैक्टीरिया को, इनमें से कई सारे अधिकतर यानी बहुत सारे, मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया यानी इन बैक्टीरिया में से बहुत सारे बैक्टीरिया को तो उसने हरे कलर के स्पोर्स ने किल कर दिया। ये बात उनके ऑब्जर्वेशन में आई, ध्यान में आई कि अपन जिन बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक प्लेट में हरे कलर के कोई स्पोर्स आते हैं मोल्ड के, और वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, और यहाँ तक कि रुक क्या जाती है, उनको किल, वो जो स्पोर्स है उनको किल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। फ्रॉम दिस, यहाँ से द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, जो पेनिसिलिन मोल्ड है यानी उसकी जो फफूंदी है, पेनिसिलिन नाम की एक फफूंदी होती है, इसीलिए इसको किस में रखा गया, फंगस में रखा गया, फंगस कैटेगरी में पेनिसिलिन वहां से फिर तैयार की गई थी, प्रिपेयर की गई थी। पेनिसिलिन का उपयोग अभी भी होता है बहुत सारे रोगों में, एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के इंजेक्शन अभी भी लगते हैं। तो इस तरह से पेनिसिलिन का की डिस्कवरिंग हुई, उसकी खोज हुई कि कैसे एक स्पोर, हरे कलर की जो फफूंद है वो आकर के बैक्टीरिया को रोक देती है, उनको मारने लगती है, तो ये कौन सी फफूंद है, उन्होंने फिर पता लगाया होगा, तो वो पेनिसिलिन निकली। तो पेनिसिलिन फिर ग्रोथ करके, पेनिसिलिन से फिर ये मेडिसिन बनाई गई, एंटीबायोटिक। तो इस तरह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये काफ़ी एक जीके का क्वेश्चन भी है,
कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह एक चीज़ यहाँ पर अपन ने पहले भी पढ़ी थी कि फर्मेंटेशन यानी खमीर या किण्वन की जो क्रिया है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। एक और यहाँ तक तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं, या फिर एक बॉक्स है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है टू रिमेम्बर, याद रखना दैट कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन, एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए, ली जानी चाहिए एंटीबायोटिक्स। देखिए ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी, क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से भी, इसका क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से रीड भी करें, अंडरस्टैंड भी करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, टू रिमेम्बर यानी याद रखना, ये याद रखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन, कि एंटीबायोटिक्स को लिया जाना चाहिए ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं उनकी एडवाइस पर, उनकी सलाह पर ही ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको लिया जाना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ लिया कि एंटीबायोटिक है वो जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देती है, उनकी ग्रोथ रोक देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाजार से एंटीबायोटिक खरीदी और ले ली, कितनी भी ले ली, कोई सी भी ले ली। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है और ये रिमेम्बर की जानी चाहिए, ये रिमेम्बर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमेशा एंटीबायोटिक जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। डॉक्टर जब आपकी आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है अगर एंटीबायोटिक, और वो डोजेज लिखता है कितनी मात्रा में लेनी है, कौन सी लेनी है, तो तभी ही आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और जो डॉक्टर के द्वारा जो कोर्स, जो आपके दवाई का जो कोर्स है, वो जो प्रेस्क्राइब किया गया है, आपको लिख करके दिया है उसने, उस कोर्स को कंप्लीट लेना चाहिए। मस्ट कंप्लीट यानी कंप्लीट करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक दो दिन दवाई लेते हैं फिर दवाई लेते नहीं हैं। देखिए क्या है कि बाकी दवाइयां तो आप जरूरी नहीं कि लंबे समय तक लो। मान लो कोई दर्द की दवाई है, पेन किलर है, अगर आपका पेन ठीक हो गया है तो आप मत लो, पेन है तो लो, बुखार है तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन जो एंटीबायोटिक होती है वो उसका जो कोर्स होता है वो कंप्लीट लेना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण से आपको डिजीज हुई है उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए एक एक निश्चित निश्चित दिनों तक उसको दवाई देनी पड़ती है, दवाई उसके ऊपर उसको इफेक्ट कराना पड़ता है दवाई का, तब वो एकदम कम्प्लीटली जो है वो किल होती है वो जो बीमारी है। अगर हमने उसको कम्प्लीट नहीं किया कोर्स को, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज पैदा करने वाला आपकी बॉडी में, वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं होगा, किल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कम्प्लीट करना चाहिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड कोर्स आपको दिया गया है। आल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो कोर्स आपको प्रेस्क्राइब किया गया है उसको कंप्लीट करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स, यदि आप लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, व्हेन नॉट नीडेड, जब उसकी जरूरत नहीं है। कई बार जरूरत नहीं है तो भी एंटीबायोटिक लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, उनको लगता है कि अपन जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जब जब नीडेड नहीं है, जब जरूरी नहीं है, तब अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं और इन रॉन्ग डोजेज या फिर गलत मात्रा में आप लेते हैं, लेनी चाहिए 1 टेबलेट ले रहे हैं, 2 टेबलेट, तो रॉन्ग डोजेज में अगर आप लेते हैं या नीडेड नहीं है फिर भी आप लेते हैं, इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, तो ये उस ड्रग को, उस दवाई को लेस इफेक्टिव बना देता है, यानी कम प्रभावी बना देता है। अगर आपने ज्यादा एंटीबायोटिक ली या जरूरत नहीं है तो भी ले ली, तो आपकी बॉडी में फिर वो कम असर करने लगेगी,
जब आपको जरूरत पड़ेगी ना उसकी, तब वो असर नहीं करेगी आपके ऊपर। तो इसलिए यहां लिखा है इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, तो ये ड्रग को लेस इफेक्टिव बना देती है, कम असरदार बना देती है। व्हेन यू माइट नीड, जब आपको इसकी नीड होगी, जब आपको इसकी जरूरत होगी, इट इन फ्यूचर, भविष्य में, यानी फ्यूचर में जब भी आपको इसकी नीड होगी तो फिर ये आपके लिए लेस इफेक्टिव बन जाएगी, कम असरकार बनेगी फिर ये, क्योंकि आपने पहले फालतू ले ली, बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो गई, आपकी आदत हो गई बॉडी को उसकी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली, यानी बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स को लिया जाना, मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो फायदा करने वाले जीवाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं अगर अपन अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स को लेते हैं। तो बिना जरूरत के, जहां नेसेसरी नहीं है, जहां नीडेड नहीं है, वहां अगर अपन एंटीबायोटिक को लेते हैं तो हमारे बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर, एंटीबायोटिक्स जो है हाउएवर यानी हालांकि, आर नॉट इफेक्टिव, ये हालांकि असरदार नहीं है अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। हालांकि एंटीबायोटिक्स जुखाम और सर्दी और जुखाम में एंटीबायोटिक काम नहीं करते, ये उसमें असरदार नहीं है। एज क्योंकि दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेज, क्योंकि सर्दी और जुखाम वायरस से होते हैं और वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, इसलिए वायरस से जो होने वाली डिजीज है उसमें एंटीबायोटिक कम काम करते हैं, या उसमें भी टाइप्स होते हैं कौन से वायरस पर काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन सर्दी जुखाम में एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं क्योंकि ये वायरस से के कारण से पैदा होते हैं। जो बाकी के बैक्टीरिया वगैरह से होते हैं, या बाकी जो 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनके कारण से अगर डिजीज हुई है तो वहां पर एंटीबायोटिक काम करते हैं, लेकिन वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। अभी अपन देख भी रहे हैं जो कोरोना COVID-19 वाला जो वायरस अभी चल रहा है, उसके ऊपर कहाँ कोई एंटीबायोटिक काम कर रही है। अगर एंटीबायोटिक काम करती तो आज इतना हाहाकार नहीं मचा हुआ होता चारों ओर। इसके लिए स्पेशल वैक्सीन बनानी पड़ी है पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत करके। तो ये कोल्ड और फ्लू पर एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ द लेसन एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द वैक्सीन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस टॉपिक। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वैक्सीन। अभी वैक्सीन जो शब्द है वो काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लोग ले रहे हैं और वैक्सीन ही एकमात्र बचने का उपाय है, ऐसा बताया जा रहा है। तो वैक्सीन, जिसको हिंदी में हम टीका कहते हैं, टीका लगाते हैं। अपने स्कूल में भी टीका लगा था अभी खसरा रूबेला का कुछ दिनों पहले, तो वो भी वैक्सीन बोलेंगे इंग्लिश में उसको। पोलियो की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, छोटे बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए, वो वैक्सीन होती है, टीका होती है। देखिए, एक डिफरेंस होता है मेडिसिन और वैक्सीन में, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दवाई और वैक्सीन में क्या अंतर है। दवाई बीमार होने के बाद दी जाती है और वैक्सीन बीमार होने से पहले दी जाती है। अगर किसी को वैक्सीन दे दी तो वो बीमारी उसको हार्म नहीं करेगी, उसको प्रभावित नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी उसको, उसकी बॉडी को। और जो दवाई है वो बीमारी हो गई, नुकसान पहुंच रहा है बॉडी को, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, वैक्सीन और मेडिसिन में। तो वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। यू शुड ट्राई टू लर्न सम डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस आपको लर्न करनी चाहिए। एक तो फर्मेंटेशन की अगर डेफिनेशन आपने नहीं लिखी होगी, मैंने हालांकि आज नहीं इसको लिया है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में इसको स्टडी किया था। अगर आपने
फर्मेंटेशन की ये जो डेफिनेशन है वो नहीं नोट किए तो आप इसको नोट कर लें और इसको लर्न करें। फर्मेंटेशन क्या होता है ये अपन पढ़ ही चुके हैं। और एंटीबायोटिक क्या होता है, आज जो आई है डेफिनेशन वो एंटीबायोटिक के बारे में है, तो कहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, व्हेनेवर से। और यहाँ पर आप वी की यू की जगह वी को यूज करें, और यहाँ पर भी यू की जगह वी को यूज करें, और यहाँ तक आप लिखेंगे तो एंटीबायोटिक क्या होती है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में, यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन एंड आल्सो लर्न इट। तो ये है आज का वर्क आपका, दोनों डेफिनेशंस, एक तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और वन लाइन ब्लैंक लीव करते हुए एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। यू हैव टू नोट डाउन दीज टू डेफिनेशंस एंड आल्सो लर्न इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो एंड वी विल स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन। सी यू एंड बाय।